नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन क्या है, मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन का मेन पार्ट क्या क्या है, उसके ऊपर वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सीएनसी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी मशीन किसको कहते हैं, द मशीन व्हिच इज ऑपरेटेड विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सीएनसी। जो मशीन कंप्यूटर मदद से कंप्यूटर की सहायता से रन करता है उसको सीएनसी मशीन बोलते हैं। जैसे कि लेथ मिलिंग और ड्रिलिंग मशीन जो है मैनुअल मशीन को हम एक कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिक रन करेंगे। उस कंप्यूटर में हम डाटा एंट्री करके कोड एंट्री करके हम उसको रन ऑटोमेटिक रन करेंगे तो उसको सीएनसी मशीन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन। मेन पार्ट्स, इनपुट डिवाइस, मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन टूल्स, फीडबैक सिस्टम, ड्राइव सिस्टम और डिस्प्ले। दोस्तों इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस को सीएनसी मशीन का पार्ट प्रोग्राम के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस 3 टाइप्स का है, एक पॉन्स टेप रीडर, मैग्नेट टेप रीडर, कंप्यूटर भाई RS-232C कम्युनिकेशन है, ये 3 टाइप का है। दोस्तों हम बात करेंगे MCU क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है। मशीन कंट्रोल यूनिट यह सीएनसी मशीन का दिल है। यह सीएनसी मशीन को कंट्रोल करता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन कोडेड को रीड करना, जो कोड के इंस्ट्रक्शन कर रखा है उसको रीड करना, इंस्ट्रक्शन कोडेड को डिकोड करना, एक्सिस मूव करना, सभी एक्सिस की फीडबैक को रीड करना और सभी एक्सिलर कंट्रोल को ऑन ऑफ करना। ऑक्सुलर कंट्रोल मतलब स्पिंडल, कूलेंट, टूल चेंज, इसको ऑन ऑफ करना, लाइट, ये सारे ऑक्सुलर कंट्रोल है उसको ऑन ऑफ करना MCU का काम है। दोस्तों मशीन टूल्स क्या है, एक सीएनसी मशीन टूल्स में पोजीशन और स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक स्लाइड टेबल और एक स्पिंडल होते हैं। मशीन स्लाइड टेबल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायरेक्शन में कंट्रोल किया जाता है और स्पिंडल को जेड एक्सिस डायरेक्शन में कंट्रोल किया जाता है। ड्राइव सिस्टम, सीएनसी मशीन के ड्राइव सिस्टम में एम्पलीफायर सर्किट, ड्राइव मोटर और बॉल लीड स्क्रू होता है। ये 3 मेन चीज़ होता है ड्राइव सिस्टम में। MCU प्रत्येक एक्सिस एम्पलीफायर सर्किट को सिग्नल भेजता है और उसी सिग्नल से ड्राइव मोटर मशीन टेबल को पोजीशन करने के लिए बॉल लीड स्क्रू को घुमाता है। ठीक है, MCU क्या करता है, ड्राइव एम्पलीफायर को सिग्नल भेजता है, एम्पलीफायर ड्राइव मोटर को चलाता है, उस चलाने से जो टेबल होता है टेबल को पोजीशन बनाने के लिए लीड स्क्रू को घुमाता है, इससे हमें पोजीशन बन जाता है। अब हम बात करेंगे फीडबैक सिस्टम क्या है। इस सिस्टम में ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो एक सेंसर रूप में काम करता है। इस सेंसर का काम है प्रत्येक एक्सिस की स्पीड और पोजीशन मॉनिटर करना और MCU को सिग्नल भेजना। मशीन कंट्रोल यूनिट MCU इस फीडबैक सिस्टम मदद पाने के बाद मशीन एक्सिस को करेक्शन करता है। जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन कोड दिया गया है, कितना रन करना है, क्या करना है, वो क्या करें फीडबैक सिस्टम से हमको मॉनिटर करता है। हमारा पोजीशन कहाँ तक गया है और कितना जाना चाहिए, उसका स्पीड और पोजीशन को सेंसर के मदद से हमारा फीडबैक सिस्टम के मदद से हमारा MCU को डाटा आता है। उस डाटा से क्या होता है, दोबारा MCU क्या करता है, फिर ड्राइव को चलाता है, एम्पलीफायर को सिग्नल लेता है, फिर जो भी रिक्वायरमेंट है जितना चलानी है दोबारा करेक्शन करके उतना चलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब डिस्प्ले यूनिट क्या है। सीएनसी मशीन के प्रोग्राम, कमांड और अन्य रिक्वायरमेंट डाटा को डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आपको इस वीडियो में
आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।